यार पिकोलो डर के मारे माजिन बू के बोलता है, बिल्कुल सही है, तुमने कहा था ना कि तुम अर्थ के सारे लोगों को मार दोगे, है ना? अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, पहले उनकी परवाह करो और फिर जब फाइट करने के लिए आना। सुपर ब्रू यार फिर थोड़ा सोचने में पड़ गया, और अब यहाँ पर यार ये क्या भाई, ये लग रहा है ये नहीं मानेगा, ये मार के ही मानेगा, आज फाइट करके जाएगा ये। पिकोलो कह रहा है क्या डंडे के, तो समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है। अरे नहीं यार, ये लोगों को मार रहा है इतने खतरनाक तरीके से, मुझे को लगा कि ये अटैक गो टैंक्स वाली फॉर्म को देगा क्या, बट यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुपर ब्रू कह रहा है कि मैंने अर्थ के सारे लोगों को मार दिया है, अब मैं फाइट कर सकता हूँ, मेरे को फाइट करने के लिए बंदे दिखाओ। तो पिकोलो कहता है फाइन, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पर अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, वो अभी सो रहे होंगे और उनको रेडी करना होगा। सुप्रभु कहता है नहीं। पिकोलो फिर कहता है मिस्टर सेटन की यहाँ पर डॉटर है जो कि तुमसे फाइट करना चाहती है। सुप्रभु यार फिर सोच में पड़ गया। विडल कहती है सच्ची में? सुप्रभु कहता है तुमने सही कहा, इसमें से सेटन की खुशबू आ रही है। यार ये कुत्ता भी बन गया लग रहा है साथ में। ठीक है मैं वेट करूंगा पर थोड़ी देर के लिए। तो यार सुपर बू एग्री हो गया वेट करने के लिए। पिकोलो फिर क्रेडेन से कहता है ट्रंक्स और गोटन के पास में जाओ और उन्हें हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में लेके जाओ अभी के अभी। ये शायद इतना काफी नहीं रहेगा पर उनको जब भी कुछ दिन तो मिल ही जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। क्रेडेन कहता है बिल्कुल सही कहा। तो यार ये सीन है हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर का, और यार पिकोलो ने थोड़ा सा टाइम ले तो लिया था गोटेन और ट्रंक्स के लिए जिससे कि वो ट्रेन कर पाए अपने आप को, पर माजिन बू का यार पेशेंस टूटता जा रहा था। पिकोलो के पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई थी बस माजिन बू को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर तक ले जाने के अलावा। तो यार देखो लेकर आ गया पिकोलो यहाँ पर, और सुपर ब्रू कह रहा है तुमने काफी टाइम लगा दिया यहाँ पर लेके आने के लिए। अब पिकोलो अपने मनी मन में कह रहा है अच्छा हुआ मैंने इसका थोड़ा सा टाइम ले लिया था, वहाँ की एक मिनट यहाँ के छह घंटे के बराबर है, उनको कम से कम यहाँ पर हफ्ते भर की ट्रेनिंग तो मिल ही गई होगी यहाँ पे। तो गोटेन और ट्रंक्स यहाँ पर देख रहे हैं इसे, तो गोटेन ट्रंक्स कहते हैं हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे माजिन बू। सुपर ब्रू कहता है क्या यही है वो? पिकोलो कहता है हाँ। पिकोलो मनी मन में सोच रहा है काश ये काम कर जाए, हमें बस अभी एक जादू की जरूरत होगी। तो यार अब अपना ये फ्यूजन करने वाले हैं, अब इसको पता चल जाएगी कि क्या पावर होती है। तो यार सुपर बू बन चुका है ये भी बात है, पता नहीं क्या होने वाला है इनकी फाइट के बीच का, देखना पड़ेगा। तो यार ये हो गए तैयार, तो गो टैंक्स बन गई है, दोनों मिल गए और अब अपनी पावर को यार रिलीज कर रहे हैं इतने खतरनाक लेवल पे कि सुपर बू को तो देख के डर लगा है। पिकोलो कह रहा है वो सुपर सैयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं फ्यूजन के बाद में भी। तो यार दिखा दिया उन्होंने अपना कमाल और करते हैं चलो धमाल। तो यार अब शुरू करता हूँ मैं अपने एक मस्त से अटैक के साथ जो आज तक हमारे पूरे चैनल पे नहीं डला ये वाला अटैक, तो देखते हैं यार यार कैसा लगा आपको ये वाला अटैक। और यार जो डैमेजेस जा रहे हैं ना सच्ची बताऊँ बिल्कुल यार कोई जवाब ही नहीं है इन डैमेजेस जो हम इसको दे रहे हैं सुपर ब्रू को। देखो भाई बांध के रख दिया, भूत ला रहे हैं, क्या मस्त मस्त चीज़ें कर पा रहे हैं यार बिल्कुल कलाकारों की तरह, एक पर एक अटैक नए नए, क्या गजब। और यार अभी सुपर ब्रू पता है कुछ भी कर ले हमसे बिल्कुल नहीं जीतने वाला, आज तो लग रहा है टाइम चैम्बर में इसके लिए हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा, पर पता नहीं यार टाइम चैम्बर का ना हम गड्ढा कैसे खोदेंगे। फिर जब तक मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि यार ये तो अब ख़त्म होने वाला है, आप इसका पावर लेवल और मेरा पावर लेवल देख लो, आई मीन हेल्थ लेवल, तो यार आपको पता ही चल जाएगा यहीं से। अब तू हम पे अटैक करेगा, तू बस ये चूड़ी के अंदर भंगा रहे जिंदगी भर का, और अब हम तेरे पे अटैक पे अटैक करेंगे और तेरे को पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर क्या चीज़ है गोटेंक, और अब तो तेरी बैंड बजेगी भाई, अब तू ही बचेगा। अरे यार इसने तो उल्टा हमें मार डाला यार, अभी बताओ तेरे को मार रहा है, चल ठीक है थोड़ा मार लिया नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, इतनी सारी हेल्थ पावर के साथ में मतलब मैं जीत जाऊँगा ना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है तो इसी वजह से तू थोड़ा बहुत मजे ले ले, पर अब तू
ज़्यादा मज़े ले रहा है यार। यार गिर कर डाला और अब देखते हैं ये कुछ स्थिति में है कि नहीं बोलने की। मेरे को नहीं लगता यार थोड़ा भी ये इस स्थिति के अंदर होगा कि कुछ बोल पाए। अब देखते हैं। चलो आ गया ये सामने और पिकोलो भी ऊपर फाइट दे रहा था, वो भी नीचे आया। पिकोलो कहता है, hey, क्या तुम सही हो? क्या तुम्हारे पास कोई और पावरफुल अटैक है? तो यार गोटेंक्स मुनि मन में हंसते हुए सोच रहा है, हाँ है तो सही पर तुम थोड़ा वेट करो। पर मैं थोड़ा पिकोलो को डराना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। यार इसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कीड़ा काट रहा है। गोटेंक्स फिर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं रही जिससे कि मैं अपने ऑसम मूव्स को कर पाऊँ और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो यार बहुत ज़्यादा माथा पीट के ये कह जा रहा है, ये रो धो के काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर रहा है। ये पिकोलो कह रहा है, अबे ये क्या कर रहा है, इसने तो यार एंट्रेंस गेट उड़ा डाला। पिकोलो फिर कहता है, अब ये तुम्हारी लाइफ का दी एंड है माजिन बू, क्योंकि मैंने इस गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है जो कि बाहर की दुनिया और ये वाली दुनिया को कनेक्ट करके रखता है। अब हम सभी लोग यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं अपनी पूरी जिंदगी भर तक के लिए। गोटेंक्स के तो यार होश हो गए, तो मजाक कर रहा था। पिकोलो कह रहा है, जो चीज़ तुम अब कर सकते हो वो ये है कि तुम हमें मार दो और यहाँ पर हमेशा के लिए अकेले पूरा टाइम बिता दो। सुपर बू कहता है, क्या? और मेरी अच्छी वाली मिठाइयों के बारे में क्या? पिकोलो कहता है, यहाँ पर कोई भी मिठाई नहीं है, कोई भी नहीं। गोटेंक्स गुस्सा हो गया, कह रहा है, तुम्हें क्या मिल गया पिकोलो? तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ये करने वाले हो? मैं प्लानिंग कर ही रहा था कि मैं अपने सुपर ऑसम मूव्स और बाकी सारी चीजें जो अटैक्स हैं उनको मैं इस्तेमाल करूं। पिकोलो फिर कहता है, हे तुमने ही तो कहा था कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं रह गई। गोटेंक्स फिर कहता है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था जिससे कि चीज़ें थोड़ा और ड्रामेटिक बन जाए। पिकोलो कहता है, इडियट, ऐसे चीज़ों को और ड्रामेटिक क्यों बनाना है ऐसे टाइम पर? गोटेंक्स कह रहा है, जल्दी से इस एंट्रेंस को सही करो ग्रीन पार्टी पूपर। पिकोलो फिर कहता है, मैं इसे नहीं सही कर सकता बिंगड़े बच्चे। तो यार सुप्रभु कह रहा है, मेरे को ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है और इसने इतनी पावर रिलीज करी कि इसने तो खुद ही ना होल बना डाला, इसको किसी के गेट की जरूरत नहीं है। गोटेंक्स कह रहा है, पिकोलो ये क्या चीज है? पिकोलो कहता है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, इसने कर दिया ये, इसने अपनी मैसिव एनर्जी का इस्तेमाल करके डायमेंशंस के बीच में छेद कर दिया है। अब ये तो भाई निकल लिया और ये छेद हो गया छोटा। और यार ये पिकोलो और गोटेंक्स देखते रहे, कह रहे हैं यार ये तो चले गया। तो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होगा। ये गोटेंक्स और पिकोलो क्या हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएंगे? तो देखते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।